नमस्कार, स्वागत है आपका नेशन न्यूज 10 पर और मैं हूं आपके साथ रिहान अली। चलिए, वक्त हो चला है 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों का। अखिलेश यादव ने चुनाव को लेकर चुनाव आयोग पर साधा निशाना, निकाय चुनाव को लेकर जताई धांधली की आशंका। वायु प्रदूषण में लगातार इजाफा होने के चलते दिल्ली के साथ साथ NCR शहरों में लगातार हो रही जहरीली हवा, पटाखे फोड़े जाने और पराली जलाने के अलावा मौसमी परिस्थितियों को ठहराया जिम्मेदार। फरीदाबाद में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बस स्टैंड का किया उद्घाटन, बस स्टैंड का नाम बदलकर किया डॉक्टर मंगल सैन बस पोर्ट। हरिद्वार में पूजा महापर्व की हुई शुरुआत, सभी घाटों पर पूर्वांचल समाज के लोग आस्था और उल्लास के साथ छठ पर्व मनाने की तैयारी में जुटे। हरिद्वार में छठ पूजा में कलश यात्रा का किया गया आगाज, कलश यात्रा में मुख्य अतिथि के रूप में विधानसभा अध्यक्ष समेत तमाम विधायकों ने की शिरकत। हरिद्वार में जल जीवन मिशन योजना की समीक्षा बैठक हुई आयोजित, बैठक में जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से जल उपलब्ध कराने के संबंध में हुई चर्चा। हरिद्वार में युवक ने रिश्तेदारों से कराई जमकर हर्ष फायरिंग, पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हरिद्वार में पुलिस ने लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 4 बदमाशों को किया गिरफ्तार, गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से करीब 42,000 की नकदी समेत 2 देशी तमंचे और 2 मोटरसाइकिल किया बरामद। कलियर में पुलिस ने 2 चोरों को 1 तमंचा समेत 1 जिंदा कारतूस और चाकू के साथ किया गिरफ्तार, पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर भेजा जेल। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पत्रकार परिषद में रखी अपनी बात, गुजरात में कभी भी चुनाव की तारीख का हो सकता है ऐलान।